format specifies in C, percent %f, percent %6.2f, 5.2f, percent %lf, percent %c, percent %s, percent %2d, percent %d. सारे जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इन सब को सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये जनरली यूज़ किए जाते हैं प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शंस में। प्रिंटएफ जैसे कि हमें पता है कि वो प्रिंट करने के काम आता है, और जो स्कैनएफ फंक्शन रहता है वो इनपुट वैल्यूज लेने में काम आता है, राइट। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर देखते हैं हम परसेंट डी। अब ये जो परसेंट डी इंडिकेट करता है इंटीजर वैल्यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं 5, 2, 3, 10, ये जो सारे नंबर्स है ये परसेंट डी से डिनोट किए जाते हैं। परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इंडिकेट करता है फ्लोट वैल्यूज को, जिसमें पॉइंट डेसिमल वैल्यूज रहते हैं, जैसे कि 5.2, 3.4, 4.44, जो ये सारे फ्लोट वैल्यूज है ये परसेंट एफ से डिनोट किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है परसेंट एलएफ। एलएफ डिनोट्स डबल, तो डबल भी सेम रहता है फ्लोट के जैसे, बस इसमें मेमोरी ये बहुत बड़े नंबर्स एक्सेप्ट करता है। जैसे इसमें भी नंबर्स है 5.2, 5.288, 3.4667, 4.44, तो ये जो सारे नंबर्स है ये डबल को डिनोट करते हैं, और डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर है एलएफ। तो फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है? फ्लोट जो है वो कम वैल्यूज लेता है, 4 बाइट्स मेमोरी, और जो डबल है वो 8 बाइट्स मेमोरी अलाउ करता है, बाकी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इसके बाद आता है परसेंट एस। परसेंट एस मीन्स स्ट्रिंग, जो इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं हेलो वर्ल्ड, चैट जीपीटी, एआई टूल्स, ऐसे जो ये वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स में आप अगर नोटिस करेंगे तो एक एक कैरेक्टर से ये सारे वर्ड्स बने हुए हैं। जैसे हेलो वर्ड है तो हेलो एच ई एल एल ओ, तो ये जो सारे कैरेक्टर्स है ना, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये स्ट्रिंग बनी हुई है, हम ऐसे बोलेंगे। तो हम इसको एक प्रकार से ऐसे भी बोलते हैं कि ये कैरेक्टर एरे है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है कैरेक्टर्स की, ठीक है। एक एरे है, उसमें एक एक कैरेक्टर फिक्स किया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को किससे डिनोट किया जाता है? परसेंट एस से। वैसे ही कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। परसेंट सी जैसे कि एच हो गया, ई हो गया, एल, एक एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर, और ये सिंगल कोट से डिनोट किया जाता है। वैसे ही जो स्ट्रिंग थी हम डबल कोट्स में उसे इंडिकेट करते थे, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करें, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सी प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें फ्लोट की वैल्यू है 1.12, ठीक है। अब प्रिंट एफ में हमने परसेंट एफ लिखा, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो स्कैन करेगा लेफ्ट टू राइट परसेंट एफ। अब वो परसेंट एफ को देखेगा कि यार ये तो प्लेस होल्डर है, इसकी कोई वैल्यू होगी जो कॉमा के बाद लिखी है, तो फ्लोट का जो भी आंसर रहेगा, मतलब फ्लोट वेरिएबल ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो परसेंट एफ पे प्लेस हो जाएंगी। तो परसेंट एफ की जगह पे ए की वैल्यू है, जो ए फ्लोट है, और फ्लोट की जगह पे 1.12 है, सो इसका आउटपुट जो होगा 1.12 और 000। अब हम देखेंगे कि हमको अगर सपोज हमको ये 000 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 1.12 चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ ही रहता है, पर उसमें आपको 0.2f इंडिकेट करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्लोट की सेम वैल्यू हमने लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू 1.12, पर यहाँ पे हमने एक डिफरेंस आप देखेंगे तो 0.2f लगाया, मीन्स हमको सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए आफ्टर डॉट, आप डेसिमल वैल्यू सिर्फ 2 ही चाहिए, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1.12। अब इस केस में ये भी सेम एग्जांपल है, फ्लोट वेरिएबल ही है यहाँ पर a इज इक्वल टू 1.12, पर यहाँ पर 5.2f है। अब यहाँ पे 0.2 का मतलब तो हमने समझ लिया कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज होना, ठीक है। अब 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? तो 5 मीन्स एक विड्थ, जो टोटल नंबर्स होंगे ना उन टोटल नंबर्स में 5 वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम राइट से काउंट करेंगे 2, 1 डॉट और 1, तो ये हो गई 4 वैल्यूज, एक वैल्यू बची स्पेस, तो एक स्पेस बाकी 1.12, तो डॉट को भी काउंट करना है 1, एक नंबर डॉट, 2 नंबर, 1, 3 एंड 2, 4 और एक स्पेस, तो इससे बनेगा हमारा 5 का काउंट। तो आउटपुट आप देख सकते हैं कि एक स्पेस मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर से डिनोट किया है, पर रियल कंपाइलर में यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट होके आएगी, फिर 1.12। तो इस तरीके से ये 5 नंबर है और 0.2 मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7.2f है, तो अब हमें पता है कि 0.2 मतलब पॉइंट के बाद में 2 ही नंबर होना, ठीक है, पर 7 मतलब क्या,
टोटल जो काउंट रहेगा, टोटल आउटपुट वो 7 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे टू राइट से गिनेंगे, 2, 1, डॉट और 1, 4 नंबर ही है, तो 3 की स्पेस बची, तो 3 स्पेस और 1.12, इस तरीके से ये आउटपुट होना चाहिए। अगर आप टोटल नंबर यहाँ पे काउंट करेंगे, 3 स्पेस 1 डॉट और 1 2, तो टोटल 7 नंबर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहले नंबर है वो विड्थ डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, और उसमें अगर कोई कमी है तो उसमें स्पेस से फिल की जाए। सिमिलरली अगर यहाँ पे जैसे आप देखेंगे 2.2f है, तो 1.12 है, तो 0.2 मतलब तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद 2 ही नंबर आएंगे। अब 2 है तो टोटल विड्थ 2 होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है ना कंडीशन, यहाँ पे 4 नंबर ऑलरेडी दिए है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे सेम टू सेम नंबर प्रिंट हो जाएगा 1.12। इसको प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो में मैं एक प्रोग्राम रन करके बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से हम रियल प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके ऐसे आउटपुट लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है मेन फंक्शन। अब इसमें हम एक फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो हमारा था, और प्रिंट एफ की मदद से हम लोग यहाँ पे %s, sorry %f और a यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल में न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा, मेरा जो ये फाइल है वो डाउनलोड्स में है, तो मैं GCC की मदद से इसको रन करूँगा, GCC compiler.c, ठीक है, a.out। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1.12000 आ रहा है, तो जैसे कि हमने देखा था कि 1.12 अगर डायरेक्ट %f लिखेंगे तो यहाँ पे 00 वो ऐड करता है। अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही वैल्यू प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे 0.2f ऐड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, प्रिंट एफ को इंडिकेशन मिल जाएगा कि सिर्फ 2 ही वैल्यूज प्रिंट करना है डॉट के बाद। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो 5.3f में यहाँ पे क्या होगा, 2, 1 और डॉट, और ये 4 हो गए और 3 है, इसीलिए यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल काउंट इसका 5 होगा, 1 डॉट को इंक्लूड करेंगे, 2, 3, 4 एंड 5, तो इस तरीके से 5.3f का आउटपुट प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5.2f करते हैं, तो अब हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, डॉट के बाद 2 ही डिजिट्स है, तो यहाँ पे एक स्पेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। रन करते हैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पेस ऐड हो गया, स्पेस 1.12। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हम सीखेंगे वो आप विजुअल स्टूडियो में रन कर सकते हैं और ट्राई एंड एरर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं %d, %d डिनोट करता है इंटीजर्स को, राइट। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू असाइन किया 1, ठीक है, तो a का वैल्यू हमारा 1 हुआ। अब प्रिंट करना है इसको, तो हम करेंगे %d और उसमें a, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगी, तो आउटपुट हुआ हमारा 1। अब आया है, अब यहाँ पर %3d आ गया, आउटपुट में जो टोटल नंबर्स होने चाहिए वो 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि 2 स्पेस फिल हो जाएंगी, 2 स्पेस और 1, तो टोटल काउंट 3 हुआ, तो आउटपुट आप देख सकते हैं --1। अब आता है %2d, अब यहाँ पे a की वैल्यू 199 दी है, अब 3 नंबर ऑलरेडी दिए है और हम प्रिंट करना चाहते हैं 2d, तो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, टोटल आउटपुट में कितने नंबर होने चाहिए, 2, यहाँ पे 3 दिए है, तो सेम आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं 199। इसके बाद आता है %c, %c जैसे हमें पता है कि वो कैरेक्टर प्रिंट करने के काम आता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर a इज इक्वल टू h लिखा है, ठीक है, अब उसको हमको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, प्रिंट एफ %c और a की जो भी वैल्यू रहेगी वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, सिंपल, h यहाँ पे प्रिंट किया हमने। अब स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करना है तो हमें %s, हमें ये पता है कि %s से वो डिनोट किया जाता है, राइट। अब लेकिन इसमें एक वो है, इसमें कैरेक्टर एरे के थ्रू स्ट्रिंग को डिफाइन किया जाता है, राइट। तो कैरेक्टर ए, उसके अंदर मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग में, अब उसको प्रिंट करने के लिए %s यूज़ करेंगे। और एक आपको चीज़ याद रखना है कि कभी भी स्ट्रिंग रिलेटेड चीज़ें सी प्रोग्राम में करेंगे तो एक हेडर में लाइब्रेरी रहती है string.h, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, वो आपको
ऐड करना होता है, उसके बिना वो स्ट्रिंग फंक्शंस काम नहीं करते। तो हमारा आउटपुट हुआ हेलो वर्ल्ड। सो आई होप कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए। सी प्रोग्रामिंग के कौन से टॉपिक्स आप सीखना चाहते हैं, जैसे पॉइंटर्स, एरेस, मल्टी डायमेंशनल एरेस, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वो वीडियोस ज़रूर चैनल पे अपलोड करूँगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक, और पहली बार अगर आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं ताकि रेगुलर मेरे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।